हेयर इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ ईयर ऑसिकल्स. एक्चुअली हमने एक प्रीवियस वीडियो में जो है वो एक ये सिंपल सा स्केच बनाया था कि कैसे ऑसिकल्स अटैच हैं विद द टिम्पनिक मेम्ब्रेन एंड टू द ओवल विंडो एंड हाउ दे आर अटैच विद ईच अदर. तो एक इमेजिनरी स्केच बनाया कि जिसमें हमें समझ आ सके. अब हम डायरेक्ट जाएंगे इंडिविजुअली, जैसे ये मैलियस से इनका से स्टेप्स हैं, अब इनको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे कि इनके क्या क्या ओवर स्ट्रक्चर्स हैं. सो पहले आते हैं हम मैलियस पे. अब मैलियस जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑसिकल है, और अगर हम मैलियस का स्ट्रक्चर देखें तो मैलियस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि मैलियस के पास हेड होता है, ये आप देखें. अब इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इट हैज़ अ हेड, देन हेयर अ फैसेट. ये एक फैसेट है जहाँ से जो है वो मैलियस अटैच होता है किसके साथ, इनकस के साथ. उसके बाद ये हो गया एंटीरियर प्रोसेस, ये हैंडल ऑफ द मैलियस, ये एक फैसेट है जो कि इनकस के साथ अटैच होगा. अब यहाँ से ही होता है नेक, एंड दिस इज व्हाट द लैटरल प्रोसेस. ये यहाँ से लैटरल प्रोसेस है. अब अगर हम स्टडी करेंगे कि जो हेड है, हेड होता है राउंडेड. हेड एक तो राउंडेड है, दूसरी इसकी ये बात है कि ये जो हेड है ये इस फैसेट के ज़रिए अटैच होता है किसके साथ, इनकस के साथ अटैच होता है. फिर आ जाते हैं जी एंटीरियर प्रोसेस पे. ये एक शार्प पॉइंटेड बोनी स्ट्रक्चर होता है, ये भी कुछ इस तरह से अटैचमेंट जो इसकी होती है वो टिम्पनिक मेम्ब्रेन से, या कहें कि टिम्पनिक कैविटी से अटैच होती है इसकी. लेटरल प्रोसेस, लेटरल प्रोसेस जो फोल्ड्स होते हैं ना टिम्पनिक मेम्ब्रेन के, उसके साथ अटैच होता है. देन हैंडल ऑफ द मैलियस, हैंडल ऑफ द मैलियस ये आप देख रहे हैं डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड है, एर ये जाके अटैच होगा टिम्पनिक मेम्ब्रेन जो कि एक थिन फिब्रस मेम्ब्रेन है. नेक जो है ये एक कंस्ट्रिक्टेड पोर्शन होता है जस्ट बिलो द हेड. ये हो गया मैलियस. अब आते हैं हम